MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lamp shades, caromin, striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories. MyCarom is the one-stop solution, 100% original and genuine products you will get on MyCaromicit website. If you have query or doubt, call 888-987-57038. हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। फोर स्ट्रोक का पार्ट फोर है, ये एडवांस टेक्निक आपको फोर स्ट्रोक की हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। आप पोजीशन को ध्यान से देखिए, 99% प्लेयर लोग इस कॉइन को ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मारने वाले हैं। और इसमें आपको तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तीन प्रॉब्लम। नंबर वन, आपका डबल ड्यू हो सकता है। थोड़ा सा भी राइट साइड से अगर आपका स्ट्राइकर आ रहा होता तो आपका डबल ड्यू हो सकता था। नंबर टू, अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड से आपका स्ट्राइकर आता तो आपका स्ट्राइकर आगे आ जाता, आपकी ब्लैक पीछे रह जाती और आपका स्ट्राइकर आपकी ब्लैक में ब्लैक के रास्ते में आ जाता और आप ये कॉइन को पॉकेट नहीं कर पाते। और नंबर थ्री, आप इसको एज अ बम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्ट्राइकर पॉकेट के डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप कोई और डिफिकल्ट कॉइन इससे रिलीज नहीं कर सकते। तो ये तीन प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अगर आप इस कॉइन को ऐसे मारेंगे तो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिससे ये तीन प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस करने नहीं पड़ेंगे। आपको क्या करना है, पोजीशन देखिए वैसे ही है और आपको आपकी ब्लैक कॉइन को लगाना है इस डायरेक्शन में। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक्यूरेट बताया है कि आपको आपकी ब्लैक कॉइन पॉकेट पे नहीं लगानी है, आपको आपकी ब्लैक कॉइन फ्रेम में, ब्लैक फ्रेम में कहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वहाँ पर लगानी है। और आपको आपका स्ट्राइकर कहाँ पर मारना है, सामने वाली फ्रेम में मारना है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से आप ये कॉइन को पॉकेट कर सकते हैं। और ये तीन प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताए वो प्रॉब्लम कभी भी आप फेस नहीं करेंगे और ये कॉइन आप पॉकेट भी कर पाएंगे और आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये स्लो मोशन में देख लीजिए आप, सिंपली हमने कॉइन पॉकेट पर नहीं लगाया था लेकिन हमने स्ट्राइकर मारा फ्रेम में और फोर स्ट्रोक की मदद से वो कॉइन पॉकेट में गई। तो अभी मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दूंगा, अलग अलग तरह से बताऊंगा कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहां कहां पर रख के आप इसको मार सकते हो। तो ये वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में भी एक बहुत बेस्ट स्ट्रोक आपको देखने मिलने वाला है। तो पोजीशन थोड़ी चेंज करी, स्ट्राइकर का डायरेक्शन देखो, कॉइन का डायरेक्शन देखो कहाँ पर है और स्ट्राइकर हमने सामने वाली फ्रेम में मारा और हम बड़ी आसानी से ये कॉइन को पॉकेट कर पाए। अब और थोड़ा वाइड गए हम, और थोड़ा वाइड जाने के बाद में हमने देखिए फ्रेम में ब्लैक कॉइन लगाया है, पॉकेट पे नहीं लगाया है और सामने वाली फ्रेम पे हमने स्ट्राइकर मारा, तभी भी हम इसको बहुत आसानी से पॉकेट कर पाए। मैं स्लो मोशन में जानबूझकर आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि कहाँ पर मैं एंगल सेट कर रहा हूँ ब्लैक कॉइन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर परफेक्ट एंगल सेट कर लिया ना तो ये कॉइन आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगी और आपको ये पोजीशन जब आएगा तब एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि भाई ये फोर्थ स्ट्रोक है और ये कॉइन डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए और वाइड गए हम, एंगल देखिए कितना वाइड लगाया है, ब्लैक कॉइन बिल्कुल, ऐसा कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ब्लैक कॉइन पॉकेट में जाएगी लेकिन बिल्कुल जाएगी। यही कमाल है फोर्थ स्ट्रोक का। दोस्तों अभी और देखते हैं आगे। अब देखिए हमने, अब हम ब्लैक कॉइन पॉकेट करते हुए दूसरी ब्लैक कॉइन को रिलीज़ भी करेंगे और बहुत आसानी से हमने कर लिया। आपको इतना ज़ोर से मारने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से भी मारोगे तो भी आप निकाल सकते हो। तो मैं ये पहला मेरा स्ट्रोक आपको बम बता रहा हूँ कि देखिए डिफ़िकल्ट कॉइन भी आप रिलीज़ कर सकते हो। खैर ये कॉइन जाके मेरे थंब में रुक गई, ये कहीं भी आ सकती है। तो ये थंब इतनी मुश्किल नहीं थी लेकिन मैंने इसको डबल पॉकेट मारा, सेकेंड पॉकेट मारा। तो अभी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, सेम स्ट्राइक ब्लैक कॉइन हमने देखिए पॉकेट में नहीं लगाई है। मैं रिपीट करूंगा ये बात को कि ब्लैक कॉइन को आपको पॉकेट में नहीं लगाना है, आपको साइड फ्रेम की, ब्लैक फ्रेम में साइड में जो फ्रेम है उसमें आपको परफेक्ट लगानी है। और आपको इस चीज़ का जजमेंट होना चाहिए कि कितनी वाइड आपको कॉइन लगानी है। और ये जजमेंट मैं आपको कितना भी बताऊँ आपको नहीं समझ में आएगा, आपको इसके लिए उसको रख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्ट्रोक पे। और आपने थोड़ा भी टाइम अगर दे दिया तो आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे आपको स्ट्राइकर प्लेस करना है। तो ये एक और स्ट्रोक देखिए, स्लो मोशन में देखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए हमने कितनी वाइड लगाई है कॉइन, ज़्यादा वाइड इसीलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्राइकर हमें इधर उधर मारना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा एंगल कि ब्लैक कॉइन हमें कहाँ पर एग्जैक्टली लगानी है। तो ये चीज़ का जजमेंट मैं अगेन आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। और ये एक बहुत ही ईजी स्ट्रोक है जिसका नाम है फोर स्ट्रोक और ये पार्ट फोर है दोस्तों।
इसके ऑलरेडी 3 पार्ट में बना चुका हूँ, बहुत कुछ लर्निंग मैंने उसमें दे रखी है। अगर आपने वो नहीं देखे है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए वो वीडियो देखिए, आपको और भी 4 स्ट्रोक की लर्निंग मिल जाएंगी उन वीडियोज़ में, और अलग अलग तरह के 4 स्ट्रोक आपको देखने मिल जाएंगे। खैर कभी कभी कॉइन ईजी भी नहीं होती है तो हमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा स्ट्रोक मारने पड़ते हैं, और कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है। मैंने ये स्ट्रोक आपके लिए रखा है ताकि ये एक बेस हुक, रिवर्स हुक बोल सकते हो इसको, रिवर्स हुक हमने मारा, और इतना अच्छा स्ट्रोक जाने के बाद अगर आपका स्ट्राइकर डबल डी हो जाए तो फिर आपका दिन कभी कभी ख़राब भी होता है। खैर एक और बार देखते हैं यही स्ट्रोक, और इस बार तो बहुत आसानी से वो पॉकेट के हाथ के नीचे थंब में आ गई। तो खैर इसका बोलने का मकसद ये है कि ये बम है दोस्तों, बम मतलब जोकर, जोकर मतलब कहीं भी आप कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हो ना जोकर को, तो वो स्ट्रोक होता है दोस्तों ये। अभी इस बार देखिए हम सामने वाली फ्रेम की कॉइन्स निकाल रहे थे, लेकिन आप सिर्फ लिमिटेड नहीं है सामने वाली फ्रेम्स की कॉइन निकालने के लिए, आपको जो रिटर्न में हार्ड है, रिटर्न मार के कॉइन जो पॉकेट करनी है, मतलब डिफ़िकल्ट है आपको, तो आप वहाँ पर भी आपका स्ट्राइकर बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं और इस तरह की कॉइन भी पॉकेट कर सकते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, और अभी तक देखा है वीडियो में आपको कुछ भी सीखने मिला है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में मुझे नीचे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसकी लर्निंग आपको कैसी लगी है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। खैर अभी आप ये लास्ट स्ट्रोक देख रहे हैं, ये स्ट्रोक देखिए, आप सिर्फ लिमिटेड नहीं है दोस्तों, सामने वाली फ्रेम में अगर डिफ़िकल्ट है कोई बात नहीं, साइड वाली फ्रेम में डिफ़िकल्ट है कोई बात नहीं, ये स्ट्रोक अगर आपके पास में है, पोजिशन अगर आपके पास में है, तो आप भाई थंब में अटकी हुई कॉइन को भी निकाल सकते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।